मैं नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन SGPGI उत्तर प्रदेश से की अध्यक्ष लता सचान और आप हैं हमारे महामंत्री जी विवेक सागर शर्मा जी। तो पेंशन बारे बताइए, आप एक तरह रैली हो रही है क्या, आप कितनी महीना OPS ओल्ड पेंशन बहाली के लिए, जैसा कि NMOPS नेशनल मूवमेंट ओल्ड फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में रामलीला मैदान में पूरे देश से कर्मचारी संगठन और कर्मचारी अधिकारी शिक्षक एकजुट हो रहे हैं। उसमें हमारा जो यूनियन है और हमारे कैडर के लोग हम अपने साथियों के साथ उसमें भाग लेने जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ताकि कर्मचारियों के हित के लिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको बहाल किया जा सके और उसके प्रयास में हम उनका NMOPS के बैनर तले उनका सहयोग कर रहे हैं, ताकि ओल्ड पेंशन बहाली कराई की जा सके, सरकार हमको ओल्ड पेंशन दे दे। मैं अपनी बात करूं, जो NMOPS अटेवा और उनके सहयोगी संगठन का आंदोलन चल रहा है, पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री इस पर जुबान नहीं खोली थी। अभी इसके पहले जो सदन चला था, आम सदन चला था, उसमें प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा, हमारे खिलाफ बोले, हमारे मुद्दे के खिलाफ बोले, लेकिन बोले। बोलने का मतलब होता कहीं ना कहीं टीस दे रहा है, कहीं ना कहीं टेंशन दे रहा है। और उन्होंने कहा कि इससे पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, राज्य जो लागू कर रहे हैं उनका जो है सारा कुछ शर्मा जाए। पश्चिम बंगाल आज भी पुरानी पेंशन कभी बंद ही नहीं किया, भारत की अर्थव्यवस्था में 6ठा स्थान उसका है, गुजरात 7वें स्थान पर है, तो उसको तो खत्म हो जाना चाहिए। ये सवाल कैसे आ गया? सरकारी नौकरी हटाई जा रही है, संविदा हटाई जा रही है, क्या लगता है कि ये पूरा मंसूबा नहीं पहले तैयार किया जा रहा है? ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि ये बहुत बड़ा जो निजीकरण का मैं सवाल कर रहा हूँ, और छोड़ दीजिए संविदा, ये कोर है समाज के लिए। एक बच्चा बढ़िया मेहनत करके तैयारी करके 5,000 की नौकरी करे और उसके बाद उसमें भी शोषण हो, समय पे वेतन न मिले, ये समाज के लिए, इस देश के लिए कोर है आउटसोर्सिंग संविदा। मैं तो कहता हूं अस्थाई नौकरी होनी चाहिए। जब 6 महीने के अंदर विधायक और सांसद की सीट भरी जा सकती है, तो 6 महीने के अंदर जो हमारी वैकेंसियां खाली होती उसका क्यों नहीं भरा जाता? और ये उद्देश्य है जहां करोड़ों वैकेंसियां सरकारी पद खाली पड़े हैं और सड़कों पर लोग, हमारा नौजवान सड़कों पर करोड़ों लोग रोजगार मांग रहा है। पूंजीवादी समर्थक है और तानाशाह सरकार है, शिक्षक कर्मचारी विरोधी सरकार है, और वो जो पूंजीपति लोग हैं उनका एक ही हितगंडा है कि सारी व्यवस्था कुछ लोगों में सीमित कर दिया जाए और उनसे, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चुनावी बांड, मैं कह रहा हूं लाइव कह रहा हूं, इस देश का सबसे बड़ा जो काला घोटाला है चुनावी बांड है। चुनावी बांड में क्या है कि पहले क्या था कि आप 1 पैसा देंगे, फिर आप बताना पड़े किस राजनीतिक दलों को चंदा कहां से दिया, क्यों दिया, कितना दिया, कहां से लाया। आज के दौर में कुछ भी चंदा, कितना भी चंदा, किसको भी चंदा दे दो, इस देश की भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण चुनावी बांड का जो चंदा है वो है। और मेरे से पूछा जाता है इनकम टैक्स, एक रिक्शे वाले से पूछा जाता है इनकम टैक्स दिया कि नहीं दिया, इसकी आय कितनी है, चुनावी चंदे में कितनी, किस राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दल कह रहा हूं, किस राजनीतिक दल को, किस व्यवसायी ने कितना चंदा दिया, जनता को जानने का हक नहीं है क्या? निश्चित रूप से ये एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, चाय और थोड़ी सी अल्पाहार का व्यवस्था आप ले लेंगे, प्रेस नोट भी आ रहा है और दो।